हां कदी भाई बसंदर ऊपर ते चीन जा टप टप तला बैठे रहा हैं अरे फिर कदी कोलियां दा कदी बाटी दा रंग कदी कुछ दा रंगे यूं कहां का भ्रष्टाचार खत्म है पर उससे भी ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ रहा है जो कागजों में इनमें घोषणा होती है इन ग्राउंड में जो है कुछ नहीं है सरकार बहुत ठीक से चल रही है खुश है मैं इस सरकार से नहीं मिल रहा मानो सरकार का गोली मारा हम ठाका जब कोई सुविधा नहीं मिल रही गोटा नहीं बैठ जा अपने घर में 2024 में आप किसकी सरकार लेके आना चाहेंगे मोदी जी की तो 2024 में चुनाव है तो किसकी सरकार लेके आना चाहेंगे बस देखो जी हम तो आवा कांग्रेस की सरकार बहुत बढ़िया वोट मांगन तो आ जावा वोट दे दे कुछ नहीं आ रहा सुविधा नहीं मिल रही आपको कुछ नहीं मिल रहा सरकार से खुश है हम तो दुखी है सरकार से दर्शकों नमस्कार दर्शकों आपको बता दें हम जिला यमुनानगर का सामाजिक और राजनीतिक दौरे पर आम जनता से मिलने निकले हैं इसी बीच हम आज गांव फतेहगढ़ तुम्बी में पहुंच चुके हैं यहां की आम जनता से उनके रहन सहन आर्थिक सामाजिक मुद्दों पर बात करेंगे आपसे निवेदन करना चाहूंगा सर्वे को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आम जनता के मुद्दों पर खबर पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर बेल आल जरूर प्रेस कर लें ताकि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को आज ही फॉलो करें और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें तो चलिए दर्शकों शुरुआत करते हैं गांव फतेहगढ़ तुम्बी यमुनानगर से मिस्त्री जी आपके गाँव में बिजली पानी सड़क सुविधाएँ सब ठीक हैं ठीक है यार बढ़िया कोई दिक्कत नहीं है कोई गाँव में आपको किसी प्रकार की समस्या तो नहीं आई है या नहीं अभी कोई समस्या नहीं आई सरकार की सारी सुविधाएं मिल रही है आपको हाँ जी कॉलोनियां नहीं मिल रही जी अच्छा अप्लाई नहीं किया आपने अप्लाई कर रखी जी पहले भी 5 साल पहले कर दी तो सरपंच आया था अब की बार भी कर रखी है जी अच्छा 2024 में आप किसकी सरकार लेके आना चाहेंगे मोदी जी की उसकी वजह उसने खुश करके सारे काम करके हैं जी बढ़िया अच्छे बाबा सरकार तो बढ़िया अच्छी है जी हमारी कॉलोनी नहरी मकान गिरे पड़े जी गरीब आदमी है ये सर्वा भी कर सकते हैं सर्वा हमने फार्म भी बहुत भर दिए सर जी सरकार की सारी सुविधाएं मिल रही है आपको बस मिल रही है महाराज अच्छा तो सरकार से खुश है यहाँ ना भाई ना खुश हम तो इसका कारण इसका कारण तो यो बाजे जो भी एससी नु चाहिए सुविधा वो कोई सुविधा नहीं हमने जैसे कि कोई भी मतलब ले ले किसी प्रकार की सुविधा हाँ जी वो एससी तो बिल्कुल खत्म है तो 2024 में चुनाव है तो किसकी सरकार लेकर आना चाहेंगे बस देखो जी हम तो आवा कांग्रेस की सरकार तो बहुत बढ़िया तो बीजेपी की सरकार क्यों ठीक नहीं है बिल्कुल भी सारी चीज एक तो महंगाई ज्यादा कर दीजिए सर अच्छा जी कहीं भी कोई किसी प्रकार का काम हो काम नहीं होता यूँ कहाँ का भ्रष्टाचार खत्म है पर उससे भी ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ रहा है यहाँ सरकार से क्या दरख्वास्त करना चाहेंगे बस दरख्वास्त का हम तो विनती कराते जी बार बार भी जो आगे पढ़े लिखे छोकरों ने कुछ रोजगार मिला रोजगार तो है नहीं इनके वास्ते बाकी गाँव के अंदर बिजली पानी सड़क ठीक है आपके बिजली बाजली तो ठीक ही चल रही है जी और सरकारी जैसे चिकित्सा हो गया आपके हॉस्पिटल हो गया सब टाइम पे सुविधा मिलती है एम्बुलेंस टाइम पे आ जाती है एम्बुलेंस का तो आपको पता ही है सभी कुछ पता भी आज फोन करो आंदे आंदे 3-4 घंटे लग देंगे ना भी आप सरकार से खुश हैं आप सरकार से जो है ना हम तो खुश नहीं है भाई उसकी वजह है? है उसकी वजह जो मतलब सिर्फ जो कागजों में इनमें घोषणा होती है इन ग्राउंड में जो है कुछ नहीं है ये जो घोषणा जो है ना ये है जी। पेपरों में है इन मतलब नीचे नहीं है कुछ भी कार्रवाई कुछ नहीं है पेपरों में बहुत कुछ देते हैं और ये कर देंगे वो कर देंगे और जो इन देखा नीचे तो कुछ नहीं है मतलब जो काम होना चाहिए उनका नहीं पर एक बात है पेपर में इतनी है गवर्नमेंट की इतनी फैसिलिटी दे रहे हम ये कर देंगे वो कर देंगे तो पेपर पार कार्रवाई है 2024 के अंदर किसकी सरकार ले आना चाहेंगे आप भाई ये तो मैं बताऊं देखो ये तो मेरे कल्ले की बात नहीं परिवर्तन लोग परिवर्तन चाह रहे हैं परिवर्तन होगा जी पर लोग परिवर्तन चाह रहे हैं क्योंकि लोग लबाने दे रहे हैं कोई बिजली देगा कोई कुछ देगा मैं इतनी यूनिट देंगे अब तो जिससे जनता उस पर खुश हो गई जो देगा उसके देंगे वोट हाँ जी बताइए मुख्यमंत्री ने पिछले महीने दो महीने पहले अनाउंस करा था जिनकी 45 साल उम्र हो गई है विडो से है 40 से ऊपर उनको पेंशन देंगे आज तक उनके फार्म नहीं कहीं भी मिल दे वो धक्के खा रहे घोषणा क्यों करा जब घोषणा करा तो उनको दो नहीं घोषणा करा तो ना करो मतलब लुभाना ही ना दिखाओ उसको इन ग्राउंड में जाओ चीज नु पेंशन वगैरह मिल रही है आपको पेंशन हाँ जी मुझे भारत सरकार की पेंशन मिल रही मुझे स्टेट की पेंशन नहीं चाहिए
अच्छा जी। मैं सरकार से पेंशन ले रहा हूँ, गवर्नमेंट का एम्प्लाई जो हूँ, सेंटर का एम्प्लाई जो हूँ, आर्मी से हूँ, पेंशन मिल रही आर्मी की। आपके सपनों का भारत कैसा होना चाहिए है? आपके जो सब आपके सपनों को जो है भारत कैसा होना चाहिए? भारत तो मतलब वो मैंने एक बात कहा, सपना का तो कहा भी, ये कहना है इन्होंने एको कर रहे हैं अमृत योजना ले रहे हैं, पर एक बात है पेपर में तो ले रहे, ग्राउंड में क्यों नहीं? वो चीज़ है ग्राउंड में इन फ्लोर जो है ना वाणी चाहिए, उसका असर देखना चाहिए। पेपर में तो बहुत कुछ है, अमृत योजना कर रहे हैं, ये तो जो ऊपर की लूट है वो ही खा रहे हैं, नीचे कुछ नहीं है। अच्छा, तो ये G20 दिल्ली के अंदर आयोजित होने जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है G20 ये तो मतलब जो है पेपर कार्रवाई है, हर एक आदमी ने इसके बारे में ना तो पता है भी G20 हुआ। कुछ आदमी इसके बारे में जो घोषणा हुई है हम ये कर रहे हैं ये बता रहे हैं, उन्होंने अपने देश को भारतवर्ष को चढ़ बढ़ के दिखाया भी हमारा देश ये कर रहा है वो कर रहा है, पर एक बात है बाहर ने देशों के साथ कर रहे हैं, हमने इसके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, इसके साथ ये भी पार करेंगे, ये करेंगे, वो हमें देगा, उसका तो जब असर होगा तब कहेंगे भी ठीक है या नहीं है। 2024 में आप किसकी सरकार ले आना चाहेंगे? बस ये तो टाइम पता होगा जी, कौन सी सरकार ठीक है? बस सरकार बस तो दूसरी बदलनी चाहिए। हाँ जी, सरकार तो बदलनी चाहिए। वजह उसकी वजह तो यही भी देख लो, इन क्या क्या पंगे कर खे ने सारा दिन कागजा जो गए लिए जी, सारा दिन गरीब आदमी। सरकार से खुश हैं आप? हाँ ठीक है, सरकार बढ़िया सरकार। उसकी वजह फैसिलिटी मिली पब्लिक को, सारी फैसिलिटी दे रही है, नाज भी मिल रहा है, गरीब आदमियों को कॉलोनियां और नाज मिल रहा, और भाई वैसे भी फैसिलिटी सरकार की तरफ से। गरीब आदमी का मानना है बहुत ऐसा है कि मतलब कि उनको कॉलोनी नहीं मिलती, इसका कारण क्या है? कॉलोनियां की ज़्यादा रोड़ा है आम जनता के अंदर, और राशन कार्ड को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? राशन कार्ड भी बन रहे हैं, अब तो अपने आप ही बन रहे राशन कार्ड, जिसके मतलब इनकम के आधार पर बन रहे, लेकिन जिनके घर में 5-10 से अगर जो बड़े हैं तो उनके भी मतलब किसी इनकम दिखाई जा रही है, या चाहे वैसे कुछ है लेडीज़ है घर पर हो, हाउस वाइफ है। गलत है जी काम, गलत है रहा, कहीं फिर इंटरनेट पर गलत है रही है, जिसका मतलब इनकम गलत चढ़ रही है, वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनकी भी इनकम दिखाई रखी है, जो लड़कियाँ पढ़ रही हैं उनकी भी इनकम दिखाई रखी है, ये गलत हो रहा ना इंटरनेट पर, ये तो जिसका जिम्मेवार आप किसको मानते हैं? बस ये तो देखो जी, सरकार ही मतलब पीछे से इंटरनेट पा रहा, मतलब ये तो कहीं ठीक करवा रहे हैं पीछे दे, तो उनको देखना चाहिए ना जो पीछे दे गलत इनकम दे रहे हैं ना उनकी, सरकार को देखना चाहिए ना भी गलती किसकी है। ठीक है, धन्यवाद। 2024 में किसकी सरकार लेकर आना पसंद करेंगे आप? बस क्या कह सका, देखो पब्लिक का रुझान कैसा हुआ क्या नहीं हुआ, पब्लिक सेंटर में किसको देखती है, ऊपर किसको देखती है, ये मतलब पब्लिक के आधार पर बात है जी। गाँव में चिकित्सा की सुविधा आपकी ठीक है यहाँ है जी? चिकित्सा सुविधाएं ठीक है? हाँ जी हाँ, दवाई की फैसिलिटी है जी यहाँ से, कोई डिस्पेंसरी है या कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, पब्लिक जाए जो दवाई मिलती है। धन्यवाद। सरकार की सारी सुविधा मिल रही है जी? क्या नहीं मिल रहा जैसे जी? यानी कि पूरा राशन जो डिपो में तैयार है जी। राशन कम मिल रहा है आपको? कम मिल रहा है जी। क्या क्या कम मिल रहा है आपको, क्या लगता है आपको? या हमारे को बस यानी कि वो मिल रहा है जी, अनाज मिल रहा है, या उसका वो चीनी चुनी मिल रही है, तेल तोल नहीं मिल रहा जी उस पर। सरकार से खुश हैं आप? 10 साल सरकार ने निकाले बीजेपी सरकार से, खुश हैं आप? नहीं। उसकी वजह? कोई फैसिलिटी तो है नहीं गरीबों वास्ते जी। आपके गांव में तो कह रहे थे कि फैसिलिटी है, सब कुछ है, या राशन कार्ड दे रही है, पीले राशन कार्ड दे रही है, कॉलोनी दे रही है, राशन कार्ड जरूर है, पर फैसिलिटी तो कुछ नहीं मिल रही, मैं तो गरीब आदमी का मर पत छता भी गरीब पड़ी बुरा हाल रहा, बांके जड़े अंदर आकर देखो पैसे। महंगाई तो आपको महंगाई के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है जी सर, महंगाई मतलब बहुत खर्चा भी चलाना बहुत मुश्किल है शायद जितना कमा लो। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। उनकी जिम्मेवारी किसके सिर पे है? मेरे सिर पे। अकेले? अकेले। वाइफ क्या करती हैं आपकी? बस घर का काम करते हैं और क्या करती हैं। तो खर्चा चलाना कैसा मतलब कि चला लेते हैं? मजदूरी करता हूँ अपना, देखता हूँ बहुत कष्टी से जा चला ही रहे काम। कभी भाई बस अंदर ऊपर से चीज टप टप तला बैठे रहा हैं, अरे फिर कभी कोलियां दा रंग कभी बाटी दा रंग कभी कुछ दा रंगे, इस करके भाई सुविधा तो यह अभी जो सरकार माने देगी। डिम में कह रही मारे तो अंदर सारे में क्या करे भाई साहब? डिम में कह रही जी सारी छता में।
कड़ियां टूट रही हैं और कड़ियां टूट रही हैं भाई, छज्जा भी टूट टूट के गिरने लग गया। देख बहुत दूर है छज्जा, देख छज्जा सारा। मकान कब पड़े थे, कितने टाइम हो गया इनको पड़े? 50-60 साल हो गए जी। फादर साहब ने पाए थे? हाँ जी, इनके डैडी ने पाए थे भाई जी। वो तो अपना चले गया बेचारा, चलो अपना काम पूरा कर गया। माँ एक अच्छी छत है, राशन कार्ड बिगाड़ दे, कल्ला करने वाला घर हमारा। बच्चे कितने घर में? दो लड़कियाँ गुड़िया। और सास ससुर का भी खर्चा है घर में? है सास ससुर तो मेरा डेथ हो गई, 4-5 महीने हो गए। सास मेरी भी सीधी है, जल्दी सी आवा। क्या कुछ करना चाहेंगे सरकार को? माँ तो राशन कार्ड बंजाड़ कर दे दोबारा से, अपने पैसे आज छत हो गए, वो भी नहीं रखे हुए, 10 साल हो गए। वोट मांगन तो आ जाओ मिनट में, कह दे वोट दे दे, कुछ नहीं आ रहा। सुविधा नहीं मिल रही आपको? कुछ नहीं मिल रहा। सरकार से खुश है? हम तो दुखी हैं सरकार से भी। हम दुखी जो बात सच्ची हम दुखी हैं। कच्चे पड़े मकान चुहा है, इनका क्या करा? किसकी वोट पाओगे? किसी की नहीं पाते वोट। वोट नहीं, वोट क्या करा? वोट तो मंगना जाओ हमें, वोट पाकर पूछता भी नहीं फिर आगा, चाहे वो सरपंच कोई भी हो। फिर मकान चुहा सारे, इनका क्या करा फिर? कच्ची छत है और के पक्की हो, मैं लेंटर बढ़ रहे हमारा अग्नि तक देख लो, कमरे मंगल जगह देख लो, पैर तो मूल चार है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि ये बहन जो है मुझे घर में लेके आई यहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हैं कि हस्बैंड भी यहीं पर ही हैं, और देख सकते हैं कि ये गुहार लगा रही हैं कि यहाँ पर इनका जो है ना राशन कार्ड काट दिया गया, और ख़ुद भी जो है यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इनकी स्थिति कैसी है, और घर का गुजर बसर जो है बड़ी ही मुश्किल से चलता है क्योंकि परिवार में काफ़ी सदस्य हैं। राशन कार्ड भी कट चुका है इनका, और कच्ची छत है और नीचे से भी कच्चा है बिल्कुल, आप देख सकते हैं। मतलब 30 साल हो गए जी, कोई कलोनी नहीं आई जी हमारी, कोई घर के बारे में कोई पैसा नहीं आया जी। डैडी जी ने 5 महीने हो गए एक्सपायर हुए जी, मतलब कि उसके बाद जी हमारा राशन कार्ड भी काट दिया गया जी। घर में कल्ला जना करने वाला है, मम्मी जी हैं जी, दो लड़कियां हैं, मिसी जी। जमीन है आपके पास? ना जी, कोई जमीन नहीं है जी। कोई व्हीकल वगैरह? कोई एक मोटरसाइकिल जाए जी। हाँ माता जी, क्या समस्या आपको? मनु तो भाई या खेतों की समस्या। क्या समस्या माता? हाँ, गोहर की ढेर पानी पड़ा उसमें, और लख नहीं सकते, सांप सड़िंडा सौ चीज खा ले। कितने का जमीन लगा उसमें? तो भाई लगा तो बहुत खासियाँ किया, 85 घर किया, पर हमने तो बहुत तंगी है, टीवा लुवाए रखा, जब फसल भी मर रही, छत भी बहुत दुखी। जाएगा देख सका, मौका मौका कर लियो, चाह बीजे झूठ बोल दी हूँ। यही मामला आज भी पानी का गन्ना भी मर गया, बढ़ भी नहीं सकते हैं खेत। ये जो पानी है जिस मतलब कि ये गांव की निकासी का पानी है? हाँ जी, गांव का पानी पड़ा जी। गांव की निकासी कहीं और से नहीं है? और कहीं से नहीं है जी। तो फिर या तो नाला लग सका उसकी वजह से ठीक हो सका, अगर नाला लग जाए फिर तो जाएगा ना? हाँ जी, नाला लग जाओगे ठीक हो जाएगा। गांव के सरपंच से आपने यह बात कही है किसी? हाँ जी कही, आज पहले भी बहुत सरपंच बने हैं, उन्होंने सबने कहा समस्या का समाधान, कोई समाधान नहीं करे, सुनवाई यो नहीं करी है, बस जा पानी छोड़ दें बस। मैं गोहर में तो बहुत बुरा हाल ले रहा है। नहीं 50 तो 50 जमींदार हो गए हैं, 50 हैं जी, कभी कोई कह दे जी मैं 50 के कहा अभी मान ले कहाँ ले जूँ पानी, कहाँ ले जूँ, बस गाँव का पानी बस नहीं फिर गिर सीगा, एक दो के खेत में गिर दे मट्टी गिरवाई एक दो फिर बस वह सारी अटका फिर नाला टेम्परेरी काम हुआ। हाँ जी, खेतों खेत के नाले गोहर के बीचों बीच नाला है, मौका देखा जा। हाँ मौका कर लो, जो हम झूठ बोल रहे हैं। सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? SDM साहब भी आपको देख रहे, प्रशासन आपकी बात को सुन रहे ऐसी बात। यही कहाँ जी मारा ठीक करा दे बस, यही धन्यवाद। हाँ जी बाबू जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिजली पानी सड़क सुविधाएं आपको मिल रही है गांव में? बहुत अच्छे से। गांव के अंदर कोई ऐसी सुविधा तो नहीं है जो आपको नहीं मिल रही है गांव के अंदर? सब कुछ ठीक मिल रहा है। तो 2024 के अंदर जो है सरकार जो है अपनी तैयारी कर रही है चुनाव के लिए, तो सरकार के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? खुश हैं आप? सरकार बहुत ठीक से चल रही है, खुश हैं हम इस सरकार से। तो बहुत सारे लोगों का जो है मानना है कि सरकार जो है कुछ नहीं कर रही है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो सभी माले ठीक नहीं कहते, सभी माले अच्छा नहीं कहते किसी के पास, सभी माले किसी से खुश नहीं होते और सभी माले दुखी नहीं होते। सरकार की सारी सुविधा मिल रही है आपको? कुछ नहीं मिल रहा मान, सरकार का गोली मारा हम ठाका जो, कोई सुविधा नहीं मिल रही, गोटा नहीं बैठ जा अपने घर में। क्या सुविधा नहीं मिल रही आपको? कुछ भी नहीं मिल रहा, ना राशन मिल रहा ना तेल मिला ना कुछ मिला, मकान मारे गिरे पड़े, राशन कार्ड मारा काट दिया। घर में कमाने वाले कितने हैं? कमाने वाला मेंटल बैठे मेंटल बैठे मंजे में, बताओ क्या करा, मजदूरी होना कर सका, काम होना कर सका। परिवार में सदस्य कितने आपके? 7 हैं जी। तो घर का कोई खर्चा फिर गुजारा कैसे चल रहा है? दिहाड़ी करा
राशन कार्ड नहीं आप बने बनया ही नहीं है मकान मारा गिरा पड़ा वोट किसकी पावांगे 2024 हम किसी की नहीं पांदे बस मार पता सती पाए का कोई किसी की वोट नहीं देंदे कोई चाहे आओ ना आओ इतना मारा कुछ काम नहीं बनता सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे सरकार ने अपील करांगे वोट देंगे जो हमारा काम बनागा बाकी में कोई नहीं देंदे हम कुछ भी कोई बार ऐसा और कोई काम वैसे आपका ये आयुष्मान कार्ड बना हुआ आपका बना लिया बाकी और कोई सुविधा नहीं माननी मिल रही मकान मारा गिरा पड़ा का देखो मौका देखो नहीं भी नहीं हम कहें दे क्या नाम है जी आपका सिलेंदर हो पति का नाम रतन सिंह हमारा डैडी घूमेगा जी अच्छा जी हमने बहुत जोर ले ली ना तो कोई हमारे माल थाने में कोई सुनवाई हो रही जी हमारी अच्छा। तो फिर हम जहाँ कहाँ जी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है जी तो फिर हमने कोई ऑप्शन तो दो जी डेढ़ महीने के लाभ दे रहे जी हमारा डैडी तो आपकी दरखास्त नहीं लिखी गई थाने में कोई हमारी कोई सुनवाई नहीं रही जहाँ कहीं थाने वाले में क्या कहे थाने वाले में क्या कहे थाने वाले बिलासपुर वाले कहाँ वही जी जहाँ घूमया बागड़ जो तो बागड़ वाले कहाँ नहीं होगा अपने एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट जो अपना आपका थाना पड़ा जी कहा जी ये वाले कहाँ जी वहाँ जो कहा दोबारा अपने बागड़ वह लिख नहीं रहे हैं जी थाने में दरखास्त तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं रही है तो हम जहाँ कहाँ जा आपके पिताजी कहाँ से घूमे थे बागड़ देश तो ये थे गुग्गा मेडी थे।